नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन झा और करता हूं स्वागत आप लोगों का अपने वीडियो एजुकेशनल पॉइंट के वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको मेरी तरफ से बहुत बड़ा गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह का टाइम जिसमें मैं वीडियो बनाया, और अगर शाम हो तो आप गुड इवनिंग, अगर दोपहर तो गुड आफ्टरनून आप समझ लीजिएगा, वो माफ़ कीजिएगा मुझे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की मेरी टॉपिक है दोस्तों कि CBSE जो 10th की रिजल्ट निकल चुकी है पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में, तो जनरली तौर से जो भी 10th में जो टॉप किए हैं और या फिर जो अच्छे मार्क्स लाए हैं उनको अब 11th और 12th करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सोचा उसी पर कुछ मैं वीडियो बना दूं जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है ताकि आप लोग गुमराह ना हो कि आखिर हम कहाँ जाए, 10th के बाद अपने कहाँ नाम लिखाए, कहाँ अपना एडमिशन करवाए। और दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं बिहार से हूँ, इसीलिए मैं बिहार को खास मकसद कर ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आप किसी और राज्य के हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी उस स्टेट का वीडियो मैं बना दूँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप पता है कि मैं ज़्यादातर अपने पेपर का ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि पेपर की एक ऐसी खबर है जहाँ झूठी आपको कुछ नहीं मिलती है, अगर आपके पास अच्छे पेपर है तो। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नामांकन जो हुई थी 10th में, जो रिजल्ट जो आई थी, सो उसकी जो अंक है वो 90% से ऊपर भी ऊपर जा चुकी है। 90% लोग इसमें लगभग पास कर चुके हैं, और कई स्कूल वालों ने मांग रखी है कि कम से कम 90% अंक तो चाहिए ही, 90% एवं मार्क चाहिए ही, तभी उन्हें इस स्कूल में या फिर इस कॉलेज में एडमिशन फ्रेंड्स होगी। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट है मेरा नोटोडम एकेडमी। दोस्तों नोटोडम एकेडमी जो है सो बहुत अच्छी स्कूल है, वो बिहार की है, वहाँ से अभी टॉप भी किए हैं मिताली, कोई सॉरी माफ कीजिएगा, आपके पास हमसे अच्छा डाटा होगा। तो 31 मई से लेकर 1 जून 8:30 से 11:30 बजे तक भरने का फॉर्म अप्लाई करने का समय है। आप लोग कृपया देरी ना करें और जाकर वहां से फॉर्म ले लें। अब बात करूँ मैं DAV का, तो DAV बहुत अच्छी स्कूल है, जहां से 1 से लेकर 9 जून तक फॉर्म अप्लाई करने का समय है। उसका फिर दोस्तों केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी आपकी चीज़ से कम नहीं, क्योंकि वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी वहाँ से निकले हैं, ये बात आपको दोस्तों मानना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय 1 जून से लेकर 11 जून तक उनकी तिथि है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, आप जाकर वहाँ पर अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। और अभी दोस्तों बिहार बोर्ड रिजल्ट की तिथि नहीं निकली है, इसलिए माफ़ कीजिएगा, बिहार बोर्ड रिजल्ट की तिथि नहीं निकली, इसलिए अभी कोई रिलीज उसकी नहीं आई है। और दोस्तों लोयला हाई स्कूल का भी 1 जून से लेकर 11। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सारी स्कूल अपनी अपनी डेट निकाली है। और दोस्तों अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी, और जाके मेरे चैनल बैक भी देख सकते हैं। चलिए बाय, नमस्कार दोस्तों। Let's go. You already know.